एक बात बताएं भक्तों, अच्छे लोग कभी मरते नहीं, अच्छे लोग कभी नहीं मरते, बुरे लोग मरते हैं। आप लोग ये सवाल करते हो कि महाराज जी अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। ऐसा भी समाज में देखा गया कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी अकस्मात जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो ये सवाल आप लोगों का हो सकता है कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, सवाल ही गलत है। अच्छे लोग कभी मरते ही नहीं। जब तक अच्छे लोग जीते हैं तो अपने शरीर से अच्छा काम करते हैं, समाज को प्रसन्नता देते हैं, और वो जब अच्छे लोग मर जाते हैं तो अपने द्वारा किए गए कार्य से समाज को सदा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वो प्रेरणा देने के भाव से सदा जीवित रहते हैं। क्या मीराबाई को कहा जाए कि मर गई? क्या महाराणा प्रताप को कहा जाए कि मर गए? क्या झांसी की रानी को कहा जाए कि मर गई? ना, मर गई होती तो आज लोग क्यों जानते? तुलसीदास जी मर गए? ना, मर गए होते तो आज लोग क्यों जानते? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीर, अच्छे लोग कभी नहीं मरते, याद रखिएगा। अच्छे लोग कभी नहीं मरते। मरता कौन है? बुरा, बुरे लोग मरते हैं। और बुरे लोग बार बार मरते हैं। हर साल रावण मरता है, हर साल रावण जलाया जाता है, पुतला जलता है रावण का। बुरे लोग बार बार मरते हैं, अच्छे लोग। शबरी मर गई, क्या शबरी मर गई? बोलो, मरना किसे कहते हैं? देखो ना, किसान ने एक पौधा लगाया, आपने एक पौधा लगाया, पानी ना दे पाए, ज्यादा धूप पड़ जाने से पौधा क्या हुआ? मर गया, मतलब सूख गया। जो पौधा सूख गया उसे आप कहते हैं कि मर गया, पौधा मर गया। अब बताओ, जो पौधा मर गया क्या उस पौधे की दोबारा चर्चा होगी? चर्चा होगी? मर गया। जो मर जाता है उसकी चर्चा कहां होती है? बताओ। पृथ्वीराज चौहान भी मरे, मोहम्मद गौरी भी मरा, ज्यादा चर्चा किसकी होती है? मोहम्मद गौरी को लोग ज्यादा जानते हैं या पृथ्वीराज को ज्यादा जानते हैं? बोलो। झांसी की रानी भी मरी और ना जाने कितने अंग्रेजों को उन्होंने मारा, तो जिनको उन्होंने मारा कौन जानता है? यथार्थ में मरे वो जिन्हें झांसी की रानी ने मारा। बुरे लोग मरते हैं साहब, जिनके मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जिन्हें कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो, वो लोग मर जाते हैं। पर जिनके मरने पर भी लोग उनकी चर्चाएं करें, उनके जीवन से सीखें। स्वामी विवेकानंद जी क्या मर गए? आज तक ना जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। याद रखना मेरी मां, मरता वो है जो कुछ किए बिना मर जाता है, जो कुछ कर देता है समाज के कल्याण के लिए, जो कुछ अपना जीवन, अपनी सांसें, अपना समय समाज की सेवा में समर्पित कर देता है, भगवान में समर्पित कर देता है,
वो मरते नहीं है साहब, वो मर कर भी सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। अच्छे लोग कहाँ मरते हैं? अच्छे लोग जब उनका नाम लो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहाँ मरते हैं? ये तो कहने की बात है कि फलाने मर गए, हम ना मरी हैं संसारा। कबीर दास जी से किसी ने कहा कि आप मर जाओगे क्या? कबीर जी क्या आप मर जाओगे? कबीर जी हंसे, हम ना मरब मरी है संसारा, हमें मिला जीवावन हारा। हमें तो जीवाने वाला ये मिल गया है भगवान। हम ना मरी हैं संसारा। क्या बात, कबीर दास जी कहते हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे आप बताओ? कबीर दास जी क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि कबीर दास जी ने समाज को जीने की एक ऐसी प्रेरणा दी है कि आज देखो सदियां बीत गईं पर कबीर दास जी के गाए दोहे, उनके कही गई बातों पर लोग चलकर अपना बिगड़ा हुआ जीवन सवार लेते हैं। कैसे कह दें कि मर गए? मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। पर कबीर दास जी की वाणी कर रही है, तुलसीदास जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है, सूरदास जी की, विवेकानंद जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है, हमारे ऋषि मुनियों की वाणियां वेद पुराणों के द्वारा आज भी समाज को नई रास्ता नई ऊर्जा से भर रही है। कैसे कह दें कि मर गए? मर गए होते तो आपके हृदय में परिवर्तन कैसे होता? इसलिए बुरे लोग मरते हैं मेरी माँ, भले लोग तो इस संसार में आकर सदा सदा के लिए युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। श्रवण कुमार नहीं मरे, मर गए होते तो आज इस कलयुग में 2024 में उनको जिक्र, उनका नाम क्यों लिया जाता? उन्होंने अपने आप को माता पिता की सेवा करके अमर कर लिया है। और मैं कभी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मरेगा कौन? घड़ा फूटा, घड़ा टूटा तो कौन मरा? मिट्टी मरी के घड़ा मरा? आप बताओ, घड़ा टूटा तो कौन मरा? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? कौन मरा? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? आप बताओ चश्मा वाले भैया, घड़ा मर गया? आप बताओ, घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? जोर से, क्या मरा? पीछे वाले, क्या मरा? घड़ा मरा, मिट्टी कहां मरी? मिट्टी तो जस की तस है। हाँ, मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो घड़ा मर गया, मिट्टी थोड़ी मरी, मिट्टी तो जस की तस है, क्योंकि उस घड़े में मिट्टी ही तो थी और मिट्टी तो स्वाभाविक है जैसी की तैसी। घड़े का आकार मरा है, हुलिया मरा है, स्वरूप मरा है, स्वरूप मरा है, स्वभाव नहीं मरा। बात समझ में आई? तो हम लोग, हमारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
मैं कभी नहीं मरूंगा। कौन मरेगा? मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरे शरीर की चमड़ी। ये चमड़ी जब मैं मरूंगा जलाया जाएगा मुझे, मेरी चमड़ी राख बन जाएगी। माटी से बनी ना चमड़ी। आपका शरीर पांच चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आपको जलाया जाएगा तो आपका वायु तत्व वायु में मिलेगा, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में। अब पांच चीजों से मिलकर बने। घड़ा टूटा, माटी थी, माटी माटी में मिल गई। शरीर पांच से बना, पांच में समा गया। हम मरे कहां? हम कौन हैं? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप रामलाल, श्यामलाल, ये आपका परिचय है, आधार कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, मनोहर, फला फला फला, घनश्याम, रघुनंदन, राघव, सीता, गीता, मालती, माया, ममता, ये आपका परिचय नहीं है। ये व्यवहार संसार के लिए परिचय, आधार कार्ड जगत में काम करता है। भाई साहब ये हमारा आधार कार्ड ले, ये हमारा अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस हुलिये का नाम अनिरुद्धाचार्य है। अभी मैं दाढ़ी मूछे नकली लगाऊं और आपके सामने आऊं और मैं बोलूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, आप है पागल हो क्या? अनिरुद्धाचार्य जी ऐसे थोड़ी दिखते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कैसे दिखते हैं आपको पता है? मैं अभी रूप बदल लूं, मूछे लगाऊं, दाढ़ी लगाऊं, हुलिया बदल लूं, फिर मैं कहूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, आप मानोगे? अनिरुद्धाचार्य एक हुलिये का नाम है। आपकी ये जो बनावट है, लोगों ने इस बनावट को कहना, आपका क्या नाम है? क्या नाम है चश्मा वाली भैया? रितीश। अब जैसे ये रितीश है, ये रितीश किनका नाम है? इनके इस हुलिये का। ये भी अपने हुलिया को बदल कर अपनी माँ के पास जाए तो माँ भी मना कर देगी, मेरा बेटा नहीं है। हाँ या ना? आप अपना हुलिया बदलकर अपनी पत्नी के पास जाना, मना कर देगी, मेरा पति नहीं है। तो आपका नाम जो है वो केवल हुलिये की पहचान है, बस इससे ज्यादा नाम का कोई अर्थ नहीं है। है तो आप मुझे बताओ क्यों जी? मैया सही हो? सही है? ये नाम किसका है? शरीर का नाम नहीं है? शरीर का नाम तो हाथ है, ये हाथ, ये पांव, ये सिर, शरीर का तो अपना नाम होता है। ये दांत, ये जिह्वा, ये गाल, ये कान, ये आंख, ये भौहें, ये माथा, ये गला, ये छाती, ये पेट, ये पीठ, अंदर रीढ़ की हड्डी, अंदर किडनियां, शरीर के प्रत्येक अंग का अपना नाम होता है। बोलो हाँ। तो अब आप बताओ कि ये अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? क्या मेरे हाथ का नाम अनिरुद्धाचार्य है, या मेरे पांव का, या मेरे सिर का, या मेरी नाक का, या मेरे गाल का, मेरे गले का, या मेरी छाती का, मेरे पेट का, किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? ये संपूर्ण बॉडी जब जुड़ती है और उसके बाद जो हुलिया बनता है स्वरूप, उस स्वरूप का नाम अनिरुद्धाचार्य है। यदि स्वरूप में जरा भी बदलाव हुआ तो पल भर के लिए आप मना कर देंगे कि नहीं आप अनिरुद्धाचार्य, फिर दिया जाएगा परिचय। यदि मैं अपना हुलिया बदल लूं, दाढ़ी मूछे बढ़ा लूं, तो धीरे धीरे फिर आप उस रूप को मानने लगे, अच्छा ये अनिरुद्धाचार्य, फिर आप उस रूप को मान लेंगे। जो दाढ़ी मूछ रखते हैं सदा, वो एक दिन दाढ़ी मूछे बनवाए और जाके कहें कि भाई मैं हूं, आप कहोगे नहीं आप नहीं है। हाँ या ना? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं,
और मैं फलाना हूं, मैं ढिमका, कुछ नहीं हो तुम और कुछ नहीं हूं मैं, ये सब घमंड में तुम जी रहे हो ना, बेकार की बातें। कौन हो आप, आपका परिचय? जबलपुर से हो, ये तो आपके यहां का परिचय है, आपके शरीर का। आप कौन हो? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर जलेगा। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। मैं घड़ा नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं। अच्छा बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? घड़ा है या नहीं है, पर माटी तो है। जब घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है, घड़ा नहीं होगा तो भी माटी होगी। उसी तरह जब ये शरीर नहीं था तब भी मेरी आत्मा थी। कहाँ थी? ईश्वर के पास। जब मैं हूं तो भी मेरे अंदर आत्मा है, और जब ये शरीर हाड़ मांस आप लोग चिता पे जलाओगे तब भी शेष मेरी आत्मा रह जाएगी। यदि आप उस आत्मा का नाम अनिरुद्धाचार्य रखना चाहते हैं तो सांसारिक व्यवहार के लिए रख लीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी की आत्मा है, ये मन है। यदि आप उस आत्मा का नाम रखना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य, तो आप संतुष्टि जैसे मिले वैसे रख लो, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो। हाँ या ना? मैं आत्मा हूं, मेरा ये शरीर जल जाएगा चिता पर, फिर भी मेरे पास एक शरीर रहेगा। हाँ या ना? कौन सा, कौन सा? वो शरीर जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हो। आप सपना देखते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब आप सोते हो तो आपका शरीर तो बिस्तर पे होता है, पर आप सपने में हरिद्वार चले जाते हो, सपने में वृंदावन आ जाते हो, सपने में किसी से मिलते हो, तो बताओ वो सपने का जो शरीर आपको मिला वो किसका था? बोलो। आपने सपने में अपने आप को कहीं और देखा ना? मैं बिस्तर पर सो रहा हूं पर हूं कहीं और। कौन था वो जो घूम रहा था सपने में? कौन था? बोलो। वही है आप। आप कौन हैं? आप वही हैं जो स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न आप नहीं देखते, आप उस समय सो रहे होते हैं। आप स्वप्न नहीं देखते, आपका सूक्ष्म शरीर स्वप्न का दृष्टा है। हाँ या ना? जो गया वो कौन था? सूक्ष्म शरीर। तो जब आप मरोगे तो आपका शरीर ये जल जाएगा। यमराज यमदूत किसे पकड़ते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को, उसी के गले में फांसी का फंदा डालते हैं। वही सूक्ष्म शरीर जाता है स्वर्ग, जाता है नरक, वही भोगता है आपके कर्मों का फल,